इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल से अपने व्हीकल की हूबहू आरसी कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ओरिजिनल आरसी कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है बबलू राघव, आप देख रहे हैं टैग राघव यूट्यूब चैनल। स्क्रीन पर आप मेरा मोबाइल देख रहे हैं, चाहे आपके पास बाइक सही, चाहे एक्टिवा, चाहे आपके पास फोर व्हीलर, आपके पास जो भी व्हीकल है, आप उसकी ओरिजिनल आरसी अपने मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में ब्राउजर ओपन करना है। हम यहाँ पे क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे। अब यहाँ पर आपको ऊपर सर्च करना है परिवहन। आप यहाँ पे सिर्फ परिवहन सर्च करेंगे। जैसे आप परिवहन सर्च करेंगे तो पहले ही नंबर पे आपको parivahan.gov.in की वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है, परिवहन सेवा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप उस पर आ जाएंगे। इसमें आपको हल्का सा नीचे आना है। यहाँ पर आप देखिए ड्राइविंग स्कूल, हल्का सा नीचे आएंगे ऑनलाइन टेस्ट अदर सर्विस, और ये यहाँ पे देखिए व्हीकल सर्विस है, और इसमें आपको व्हीकल रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप देख लीजिए ये वाला ऑप्शन है व्हीकल रजिस्ट्रेशन, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने ये ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट में आप रहते हैं वो स्टेट आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो हम उत्तर प्रदेश पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको जो है व्हीकल रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसा उस पर क्लिक करेंगे तो आपका आपके पास जो बाइक है या कार है कुछ भी सही, आपका जो व्हीकल है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको इस जगह पर डालकर प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमने यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, एक ये इस तरीके का पॉपअप मैसेज आया है। हल्का सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखिए इश्यू ऑफ डुप्लीकेट आरसी, तो इसमें नीचे आएंगे तो यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आप जैसे आएंगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। इसमें आप यहाँ पे जो थ्री लाइन देख रहे हैं ऊपर, आपको इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे डाउनलोड डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आरसी प्रिंट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। लेकिन आरसी प्रिंट तभी आप कर पाएंगे जब आपके आरसी में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा। अगर आपके आरसी में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो मैं यहीं पे बता देता हूं। आप यहाँ पे सर्विस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे वाले आपको ऑप्शन मिलता है, ये देखिए मैं दोबारा क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए एडिशनल सर्विस आपको मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपडेट मोबाइल नंबर का ऑप्शन आपको मिलेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप यस करेंगे और यहाँ पे अब आपको अपने व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर और इंजन नंबर और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट, ये सब आपको आरसी में मिल जाएगा। सो डिटेल पे क्लिक करके आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको एंटर करना होगा। मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन करने के बाद में फिर यहाँ पर आप देखिए डाउनलोड डॉक्यूमेंट पर आप क्लिक करेंगे और आरसी प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ये ऑप्शन आपको वहां भी मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए आरसी डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, इसके बाद चेसिस नंबर डालना है और इसके बाद आपको इंजन नंबर डालना है, फिर इसके बाद आपको वेरीफाई डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए ये सब हम आपको डाल के दिखाते हैं। डिटेल डालने के बाद में फिर आपको वेरीफाई डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा जनरेट ओटीपी का और आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर शो होगा, आपको जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा गया है, वो ओटीपी आपको इस जगह पर डालना है। ओटीपी डालने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और जिस तरीके से आपको आरसी कंपनी की तरफ से मिलता है वो आरसी आपके मोबाइल में यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल से अपने व्हीकल का यहाँ पे आरसी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।